हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज है मायके से ससुराल वापस जाने का दिन, तो आज सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट आंटी की तरफ से। आंटी ने कहा था कल बहुत सारा भोज खा लिए हो आप लोग, आज मेरे घर खाना खा लेना। तो देखो, हम लोग धूप में, बहुत ठंडी थी तो धूप में हमने डाइनिंग टेबल लगा लिया है, और हम दोनों बहनें और हम दोनों के हस्बैंड और हमारे बच्चे और मेरा भाई, सभी लोग मिलके हम लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे हैं। और देखिए कितना आसान सा रास्ता हमने बना लिया है। वो जो विंडो आपको दिख रहा है वो आंटी के किचन का विंडो है, तो वो वहाँ पर पराठा सेके जा रही है और खिड़की से ही हमें पराठा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो हम यहाँ बैठ के पराठा खा रहे थे आज सुबह सुबह। एक्चुअली मेरा, मेरी बहन का नाम कितना गिनाना, हम सभी भाई बहनों का, हमारे घर में हर एक मेंबर का सबसे फेवरेट डिश है ये आलू पराठा टमाटर की चटनी के साथ। तो हम लोगों का ये जो डिश था वो आंटी ने बना दिया है आज, और बहुत सारे पकौड़े भी बनाए थे, प्याज के पकौड़े। तो और रात में हमने डिनर बाहर से ऑर्डर किया था। ये ब्लॉग जो है मेरी एनिवर्सरी के बाद वाले दिन का है, तो रात को हमने डिनर एनिवर्सरी वाले दिन बाहर से किया था। तो उस टाइम का जो हमारा खाना था रात वाला, पनीर की सब्ज़ी और मशरूम था, तो दोनों सब्ज़ियां बची हुई थी। आपको ब्लैक कलर का बाउल दिख रहा है ना टेबल के ऊपर, तो ये दोनों हम मार्केट से ले आए थे, पनीर की सब्ज़ी और मशरूम की सब्ज़ी। तो उसके साथ साथ ही हम लोग ये आंटी का आलू पराठा और टमाटर की चटनी, साथ में बहुत सारे प्याज के पकौड़े खा रहे थे। और इसके बाद नेहा का रात को ट्रेन है और मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि आज स्कूल में हमें कोविड का बूस्टर डोज मिलने वाला है। तो मैं जल्दी से नाश्ता करके बाहर निकलने वाली हूँ स्कूल के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने घर जाकर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। सो फ्रेंड्स, अभी 11:30 बज रहा है ये देखिए, और हमने ब्रेकफास्ट वहाँ घर पर, हाँ दीदी ठीक, कांटा लगे हमने सुबह को ब्रेकफास्ट घर पर किया था। आपने देखा था व्लॉग में आलू पराठा आंटी ने बनाया था, और हमने वहाँ पर बाहर में खड़ा होकर आलू पराठा खाया था। बाहर में हमने डाइनिंग टेबल लगाया था और वहीं पर हमने आलू पराठा खाया था। तो आलू पराठा खाने के बाद फिर हम घर चले आए थे अपने अपने। नेहा का भी छुट्टी ख़त्म हो गया था, उसकी भी रात को ट्रेन थी और मुझे भी आना था क्योंकि मेरा स्कूल था। तो मैं भी आ गई वापस। हाँ ख़त्म हो गया सॉस खाना। अच्छा ठीक है, मैं, तुम चटाई में बैठो, मैं लेके आती हूँ ओके। और वहाँ से आने के बाद घर की हालत तो बहुत ही ख़राब थी। मैंने पूरे घर में क्लीनिंग की है झाड़ू पोछा करके, और उसके बाद पूरा बेड पर कंबल वगैरह फैला हुआ था। ये देखिए बेड हमने अभी लगाया है। और तो फ्रेंड्स, वो सारा मैंने अपना जो ज्वेलरी सेट्स वगैरह लेके गई थी, वो सारा कुछ जो मेरे मेकअप किट का, जो मेरे पर्स के अंदर मेकअप किट, मेरा, मेरी बेटी का जो कुछ भी सामान था, वो सब मैंने अरेंज कर लिया है। अभी एक अलमीरा में उसका, उसके जिसके जिसके जगह पर थी वहाँ पर डाल दिया है, और जो मैंने गोल्ड पीसेस लिए थे वो मैंने लॉकर में डाल दिया है। और अभी देखिए ये सारा कपड़ा फैला हुआ है, हमने मैंने बैग को अनपैक किया है, वो भी एक ये बैग और एक वो बैग को अनपैक किया है, और ये देखिए इस तरह पड़ा हुआ है सारा कुछ। और अभी इनमें से जो धुलने वाला कपड़ा था वो सारा मैंने धुल के छत पर दे दिया है, और ये सभी धुले हुए हैं, बस इसको आयरन प्रेस करना है और फोल्ड करके रखना है। हमें फिर से कहीं एक और फंक्शन अटेंड करने बाहर भी जाना है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं ट्रॉली पैक करूँगी, क्योंकि दूर जाना है तो ट्रॉली अच्छा रहेगा कैरी करने के लिए। तो मैं वो अभी फिर से दोबारा से पैक करूँगी, 2-3 दिनों के बाद ही जाना है। तो फिलहाल सारे कपड़े मैंने धुल के छत पर दिए हैं, किचन भी वैसे ही बिखरा पड़ा है। ये देखिए सारा किचन भी, पीना है तुमको ये मम्मी, पीना है अच्छा। सॉस भी खिलाऊंगी, तुम जाओ चटाई में बैठो, ये भी ले आती हूँ, सॉस भी ले आती हूँ ओके। ये चाहिए उनको। और तो मैं अभी आई, तो फिर मम्मा के लिए मैंने नाश्ता बनाया था, रोटी बनाई है मैंने, ये देखिए गंदा पड़ा है, चटाई धूप में जाओ। रोटी बनाई थी मैंने, और मैंने आलू फूल गोभी की सब्जी बनाई थी, ये देखिए
सब्जी नहीं है, सूखा सूखा भुजिया के जैसा है। और मम्मा को, कान्हा जी को भोग लगा के मम्मा को नाश्ता करा लिया है। और बस अब ये सारी क्लीनिंग करनी है, फिर लंच बनाना है, और उस रूम में जो पूरा कपड़ा बिखरा पड़ा है उन सभी को अरेंज करना है अच्छी तरह से। तो देखिए मैं क्या क्या इस व्लॉग में कर पाती हूँ। और बहुत ही थकावट होने वाली है, अभी मैं आई हूँ, खुद ही बहुत टायर्ड हूँ। वहाँ में हमारा दो दो फंक्शन हो गया था, भागा दौड़ी बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गई है, मैं बहुत ही टायर्ड हो गई हूँ। बट फिर भी यहाँ पर भी ये सब करना है क्योंकि फिर फंक्शन है तो वो भी अटेंड करने जाना है। तो देखती हूँ क्या क्या कर पाती हूँ और क्या क्या आपको दिखा पाती हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी ही देर में ये सारी क्लीनिंग करने के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, घर से वापस आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा काम पड़ा हुआ था, आपने देखा मैं थोड़ा सा काम की थी और फिर फटाफट से स्कूल चले आई थी क्योंकि कोविड का बूस्टर डोज मुझे मिलने वाला था। तो ये देखिए मुझे कोविड का बूस्टर डोज लग गया है और अभी मैं आपको घर पर मिलूँगी। तो देखिए रात हो चुकी है, आने के बाद मैं फिर से वो सारा अरेंजमेंट जो बचा हुआ था वो सब क्लीनिंग में लग गई थी। और ये देखिए डिनर के टाइम में सब बहुत टायर्ड थे क्योंकि वहाँ से वापस आना, फिर स्कूल जाना, ये भी ऑफिस गए थे। तो आके देखिए हम सब मिलके साथ में खाना बना रहे थे, फैमिली डिनर प्लान डिनर बन रहा है। तो ये हम लोगों के लिए ये सब्जी काट रहे थे और कुहू, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो उसको भी बनाना ही होता है रोटी, तो वो एक टूल लगा के उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। तो देखिए वो रोटी बना रही है और मैं भी रोटी बना रही हूँ। और ये सब्जी के लिए आलू काट रहे थे तो हम सब ने जल्दी जल्दी मिलकर डिनर बना लिया और उसके बाद फिर मैं रेस्ट करने के लिए चली गई थी। सो फ्रेंड्स, सुबह से मुझे तो टाइम नहीं मिला था फिर से दोबारा आप लोगों से बातें करने का। सुबह से मैंने आपको दिखाया था पूरा बेड उस तरह बिखरा पड़ा था, वो सारा अरेंज करना था। फिर दूसरी जगह जाना है मुझे फंक्शन में, तो उसकी पैकिंग करनी थी, तो वो सारा कुछ पैक किया है मैंने। सारा जो बेड पर उस तरह पड़ा था वो सारा अरेंज किया था। और करते करते अभी रात हो गया है तो हमने अभी डिनर बनाया साथ में, आपने देखा। तो इन्होंने सब्जी काटी थी, कुहू और मैं दोनों साथ में रोटी बना रहे थे और हमारा खाना लगभग डिनर बन चुका है। मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली है, ये देखिए मैंने इधर रोटी बना दिया है और इसमें मैंने कुहू का दूध रोटी सोक करके रख दिया है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। इधर पानी गर्म करने को हमने रखा था बट कैमरा में बहुत ज़्यादा आवाज़ जाता है इंडक्शन का, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया है। अभी पहले ये वीडियो एंड कर लूँ, उसके बाद मैं उसको फिर से ऑन करूँगी। दूध भी उबल गया है मेरा और भुजिया थोड़ा सा बनना बाकी है जो सब्जी मैं बना रही थी, वो थोड़ा सा वो पक गया है अच्छी तरह से, बस थोड़ा सा भूनना बचा हुआ था। तो ये भून जाए और उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह जो क्लीन कर लिया। अभी मैंने नाश्ते में घुगनी बनाई थी, उसकी बरबट्टी का घुगनी, तो वो मैंने नाश्ता, सब लोगों ने मूढ़ी घुगनी किया है और चाय के साथ, तो सबका नाश्ता हो गया है। और मैंने यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करके रख दिए हैं, बस ये भुजिया बन जाए। और मैंने मेरा चाय यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए मेरा चाय। मैं अभी नाश्ते में, ये देखिए मैं घर से आई हूँ अभी अभी, तो मैंने थोड़ा सा ये बूंदिया रखा है, इसमें मैं अभी मिक्सचर डाल के, मैं बहुत पसंद करती हूँ झिलिया या मिक्सचर कुछ भी, वो जो लकड़ी की तरह होता है ना, काठी काठी भी बोलते हैं, झिलिया बूंदिया हम लोग को 26 जन को मिलता है वही वाला, तो मैं इसमें मिक्सचर डाल के अभी खाऊंगी। ये मेरा नाश्ता होगा शाम का आज का। एक्चुअली मैंने लंच आज बहुत अच्छे से नहीं किया है, एक ही पराठा खाया था तो भूख लगी हुई है। तो ये मेरा नाश्ता होगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा, एक वीडियो है जो एडिट कर रही हूँ, थोड़ी देर में अभी अपलोड होगा और फिर थोड़ा आराम करूँगी, फिर डिनर करेंगे। डिनर में तो 10 o'clock के आसपास हम सब डिनर करते हैं, तो 10 बजे डिनर करेंगे, तो बहुत ही टायरिंग है। तो ये देखिए गाइस, भुजिया भुन गया है, ये देखिए, तो भुजिया भुन गया है और सब्जी रोटी बन चुकी है मेरी, सारे किचन का काम कंप्लीट हो गया है। और अब मैं बीच में, मैं जो सुबह क्लीनिंग कर रही थी उसके बाद मैं स्कूल भी गई थी, तो स्कूल से आने के बाद वो सारा अरेंजमेंट ख़त्म हो गया है मेरा, सब कुछ हो गया है लगभग, और रात हो गया है और बहुत ही टायर्ड हूँ मैं। रात में एक्चुअली शाम हो रहा है,
और बहुत ही टायर्ड हूँ मैं, तो फिर मैं अभी नाश्ता करूँगी और नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद फिर हम डिनर करेंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, बाय गाइज, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स एंड स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और उसे सबसे पहले आप देख पाए। तो आज के व्लॉग में इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, बाय।